माना जाता है कि वेदों की रचना लगभग 2 से 2.5 हजार ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। वेदों की भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा वेदों से भी पुरानी देव भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली भाषा है, या कहे कि संस्कृत का आसान रूप है हिंदी भाषा। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा का इतिहास कितना पुराना है। इंसान हमेशा आसान चीजों के प्रति आकर्षित हुआ है, यानी कि कम प्रयास में ज्यादा फायदे की चाहत हमेशा रही है। जैसे सत्येंद्र को सत्येंद्र, सत्येंद्र को सत्येन, और पॉसिबल हो तो सत्येंद्र को सत्तू के नाम से बोल के काम चलाया जाता है। हिंदी के एक भाषा बनने की वजह यह आसानी है कि चीजों को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं हिंदी भाषा की कहानी की। इसके लिए हमें हमारे इतिहास में जाना पड़ेगा। लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई। वेदों की भाषा संस्कृत। के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व रामायण और महाभारत लिखे गए। इन्हें भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। उसके बाद आम लोग भी संस्कृत में बोलने और लिखने लगे। सन 500 ईस्वी में अपभ्रंश की शुरुआत हुई। इसे संस्कृत भाषा का सबसे देसी अंदाज कहा जाता है। इस समय में स्थान और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोली जाने लगी। जैसे सौरसेनी भाषा आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा कहलाने लगी। उसी तरीके से पेशाची भाषा बनी, लहंदा और पंजाबी भाषा बन गई। मागधी भाषा बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा बन गई। महाराष्ट्र मराठी भाषा बन गई। इस तरह अनेक भाषाएं थी। अपभ्रंश हिंदी की पहली रचना विक्रमोर्यवंशियम को माना जाता है, जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। हिंदी में सबसे पहले वीरों की गाथा लिखी गई थी। सन 1000 ईस्वी में पहली हिंदी रचना लिखी गई, जिसका नाम था खुमान रासो। खुमान रासो में चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी लिखी गई। सन 1100 ईस्वी में हिंदी को देवनागरी में लिखा जाने लगा था। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पहली बार कहां लिखी गई थी। सन 1212 ईस्वी में बिसल देव रासो लिखी गई थी। इसे राजपुताना इतिहास भी माना जाता है। इस रचना में राजा बिसल देव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। सन 1225 से 1249 ईस्वी तक इस काल में हिंदी भाषा के पहले कवि हुए थे चंद्र बरदाई। इस समय काल में पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। हिंदू धर्म में इसका बहुत प्रचार हुआ। 1340 ईस्वी अमीर खुसरो नामक कवि ने इस दौर में फारसी और हिंदी में कई पहेलियां, गीत और दोहे लिखे। कुछ पहेलियां इस प्रकार थी, जैसा कि पहले ही बताया गया कि 1100 ईस्वी में हिंदी को देवनागरी में लिखा जाने लगा था। 1300 ईस्वी बाद देव गीत लिखने वालों ने हिंदी को और आगे बढ़ाया। 1375 के पहले भारत में मुगलों की एंट्री हो चुकी थी और काफी अफरा तफरी का माहौल था। मुगल शासक भारत में लगातार हमले कर रहे थे। तब दो तरह की बातें लिखी जा रही थी। पहली थी सभी के भगवान को एक मानकर लड़ाई न करने को प्रेरित करने वाली बातें। दूसरी तरफ थी भगवान में विश्वास करने वाले और हिंदू को मानने वालों को एक करने वाली बात। सन 1450 से लेकर 1550 ईस्वी तक लगभग 2 साल में गुरु नानक, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास की कविताएं प्रचलित हुई और लोगों ने इन्हें गाना गाकर शुरू कर दिया। लेकिन इस दौर में सबसे ज्यादा प्रचार कबीर की वाणी का हुआ। कबीर समाज में जो भी घटनाएं, व्यवस्थाएं, चीजों को देखते उसे गीत में गाकर बताते थे। उनके साथ रहने वाले उसे लिख लिया करते थे। 1633 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। यह ग्रंथ समाज में इतना प्रचलित हुआ कि हिंदी के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित वहां की भाषा में रामचरितमानस का अनुवाद होने लगा। 1642 ईस्वी में 10 साल बाद कवि सूरदास ने सूर सागर की रचना की। सूर सागर मुगल काल में मुगलों के विरोध की बहुत बड़ी आवाज बनी। यह 200 साल में सूरदास और तुलसीदास का बहुत प्रभाव रहा। और चूंकि तुलसीदास की भाषा अवधी थी और सूरदास की ब्रज भाषा थी, तो अगर कोई हिंदी का कवि बनना भी चाहता था तो उसे तुलसीदास और सूरदास को पढ़ने के लिए अवधी और ब्रज भाषा सीखनी ही पड़ती। और इसी तरह हिंदी भाषा को ब्रज और अवधी से उभरने में लगभग 200 साल लगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 सालों में लगभग 103 कवियों का नाम मिलता है। इनमें से कुछ कवि चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मतीराम, भूषण, सुखदेव जैसे कवि रहे। लेकिन इनकी लेखनी एक जैसी ही थी, इसलिए हिंदी के विकास में इन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिला। समान लेखनी होने की वजह से लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं दी। 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा की नींव रखी। उन्होंने हिंदी गद्य की रचना की, जिससे हिंदी के विकास में प्रगति तेज हुई।
हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो हम हिंदी लिखते हैं वह सन 1900 में शुरू हुई। सन 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था इंदुमती। यह पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी में और गद अंदाज में लिखी गई थी। आज हम जो बोलते हैं और पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से लिखा गया था। सन 1904 में उत्तर भारत में हिंदी भाषा को हर स्कूल में पढ़ाए जाने को लेकर मांग उठी। अंग्रेजी सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया। 1909 में पुष्प वाटिका की रचना हुई और साथ ही साथ उर्दू भाषा की एक रचना गुलस्तान का हिंदी अनुवाद भी हुआ। 1913 में भारतवर्ष का इतिहास लिखा गया। इसके अलावा जीविका वृत्तांत और अर्थशास्त्री किताब लिखी गई। 1915 में भूगोल की किताब हिंदी में लिखी गई। हिंदी को स्थापित करने में 1909 से लेकर 2015 तक हुई रचनाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में आजाद भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और 1950 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा जैसे लेखकों ने अपनी लेखनी से इस भाषा को शीर्ष पर पहुंचा दिया।